नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्या जाकर वहां बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर डबल इंजन की सरकार पीएफआई को बैन करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है, उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। आप भी सुने। सरकार जो पीएफआई में बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांगजनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था। के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मानद उपाधि लेकर डॉक्टर बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा डर सता रहा। इस डर का खुलासा उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच किया, जो उनके ट्वीट करते ही वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल को इस बात का मलाल अब तक है कि उनकी पीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, वो दो बार परीक्षा देने ही नहीं जा सके। प्रीवियस तो हो गया लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। अपनी इसी अधूरी इच्छा को छात्रों के सामने उन्होंने जाहिर किया। आप भी सुने। शेयर करना चाहता हूं, तो आज जब आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार साथ में है, विशेष तो है ही, बच्चे लोग भी आए हैं। अक्सर होता यह है कि जब डिग्री मिलती है तो पालक लोग आते हैं। मुझे जब मानद उपाधि मिली है तो मेरे परिवार के और मेरे बच्चे लोग आए। लेकिन एक बात और आप सबसे छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे, फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया। प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया, लेकिन अब सोचता हूं कि पीजी कर लूं। लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा फिर आप लोग क्या बोलेंगे, तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल अपने घर में लाखों के पर्दे लगा रहे थे। इस दौरान और क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनाएंगे। अब क्या है कि ये हमारी योजनाएं चुराते थे अभी तक, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हमला है, वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से
शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चोरी को चोर तो नहीं कह सकता, बड़े लोग हैं, लेकिन तरीका क्या है ये इनका, कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं, कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। आपने कहीं सभा देखी दिग्विजय सिंह जी की पूरे प्रदेश में? आप कह रहे हो प्रचार पे गए हुए, हमें ही दिखा दो एक आध सभा उनकी। सभा में लोग नहीं आते दिग्विजय सिंह जी। देखो कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। अचम्मा ये है कि दस इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते जब विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंभा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे। कमलनाथ जी इस रथ के, इनके रथों का क्या हुआ जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे हो, एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़फ रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं कि उनके बस के इंतजाम करें, उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं, ये जो बाइट उन्होंने दी है और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है ये सोचे कि वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूं। ये बाइट है, कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी, इसके उपमंत्र। कर्नाटक के बेलगावी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की बात कही। दरअसल 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा आपको बताते चले राजनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनाएंगे। बहनों भाइयों, विदेशों में नहीं करें, एक से एक काम उन्होंने किए। इतना ही नहीं, स्केल और स्पीड दोनों के मामले में हमारी सरकार का अन्य सरकारों से कोई मुकाबला नहीं है। नौ वर्ष के अंदर 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स का निर्माण हुआ है। 9.5 साल में 3.5 लाख आज तक का यह रिकॉर्ड है, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हाईवेज का जहां तक सवाल है, 80,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। मुझे याद है कांग्रेस का शासनकाल था, मैंने किसी से पूछा था कि भैया बताओ आपके यहां यह प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर हाईवे बनती है, तो उन्होंने बताया था कि बामुश्किल 4-5 किलोमीटर यह प्रतिदिन हाईवे बनती है। फिर बहनों भाइयों, उस समय कांग्रेस का शासनकाल, आज का शासनकाल आप देखिए,
आज प्रतिदिन 38 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार के बीच अंतर यह है, इंड कॉरिडोर का जहां तक सवाल है, मैं कर्नाटक के बहनों भाइयों को बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 3 कॉरिडोर की घोषणा की है और आपको जानकर खुशी होगी साउथ में पूरे दक्षिण भारत में 3 कॉरिडोर, इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से यह हमारा क्षेत्र समृद्धशाली क्षेत्र बनेगा। 3 कॉरिडोर है और तीनों में एक पॉइंट यदि कहीं पर आता है साउथ में दक्षिण भारत में या कर्नाटक आता है, यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर और मुंबई और बेंगलुरु कॉरिडोर, माने हर कॉरिडोर कर्नाटक प्रदेश को कनेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है जिस जिले को कनेक्ट करता है उसी जिले को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि मेरे बहनों भाइयों अड़ोस पड़ोस के आसपास के पूरे प्रदेश के जिलों को उसका लाभ मिलेगा, नौजवानों के हाथों रोजगार का अवसर मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोविड के संकट से आप सब भी जूझे होंगे, कोरोना का संकट था कि नहीं, यहां कोरोना कोविड समझ रहे हैं कि नहीं, कोरोना का संकट आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता बेंगलुरु से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई काम करने वाले लोग अपने काम को छोड़कर अपने घरों पर भाग रहे थे, अपने गांव के लिए भाग रहे, उनके हाथों के लिए काम मिल पाना यह बहुत ही कठिन हो गया था। उन कठिन परिस्थितियों ने भी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे भारत माता के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। और तब से उन सब सारे परिवारों को जो मुफ्त राशन देने का फैसला किया, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आज भी हमारे भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है मेरे बहन भाई, 80 आज भी मिल रहा है, दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा, कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोविड में वैक्सीन आप लोगों को लगी है कि नहीं, वैक्सीन लगी है बहनों भाइयों? 2 वैक्सीन पूरी जनता को लग गई हो। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को केवल 15 दिन का समय बचा हुआ है। स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मंगलवार यानी कि 25 अप्रैल को कर्नाटक में चामराजनगर जिले के हनूर में महिलाओं से बातचीत के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी की सरकार और उनके नेताओं पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। आपने शायद पढ़ा होगा कि एक विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए कैश में मिले। ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಬಳಿ 5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಆ ಒಂದು ಪುತ್ರನ ತಂದೆ ಏನಿದ್ರು, ಯಾರ ತರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವರು ಪಲಾಯನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಕೆ ಮರೀಜೋ ಕೋ ನಹೀ ಛೋಡಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಅಂಡೋ ಕೋ ನಹೀ ಛೋಡಾ, ಜಹಾ ದೇಖೋ ವಹಾ ಪೆ ಜಹಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ಇನ್ಹೋನೆ ಆಪ್ಕೋ ಲೂಟಾ. ಇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ 1.5 lakh ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. प्रदेश के लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2,250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಂಬಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಿ ಥಿ.
2025 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳನ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ. 30,000 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬನ್ ಸಕ್ತೆ ಥೆ. 30,000 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಬಹುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಂಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬನ್ ಸಕ್ತಿ ಥಿ. 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ. 30,00,000 ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೆ ಘರ್ ಸೋಚಿಯೆ ಜಿತ್ನಾ ಇನ್ಹೋನೆ ಲೂಟಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ 30,00,000 ಗರೀಬೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಘರ್ ಬನ್ ಸಕ್ತೆ ಥೆ. 30,00,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ. ಆಪ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗಾ ಯಹಾಂ ಪೆ ಮಾಧವ ಮಂತ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಔರ್ ಕನಾಲ್ ಕಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ನೆ ಶುರು ಕಿಯಾ ಥಾ. ಐಸಿ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಯೋಜನಾಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೇ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನಿ ತಬ್ ಹಮ್ನೆ ಕರ್ಜ್ ಮಾಫ್ ಕಿಯೆ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಗ ನಾವು ರೈತರ ಸಾಲನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ್ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಹಮ್ ಪುರಾನಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಯೆಂಗೆ ಉಸೆ ಹಮ್ನೆ ಲಾಗೂ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕಿಯಾ ಹೈ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಮ್ 100% ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ರಗತಿ ಔರ್ ವಿಕಾಸ ಲಾನೆ ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ನಾವು 100% ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇ ಜೋ ಲಾಖೋ ಪದ ಯೇ ಜೋ 2.5 lakh ಪದ ಖಾಲಿ ಹೈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ವೋ ಹಮ್ ಭರ್ವಾಯೆಂಗೆ. ಈ 2.5 lakh ಹುದ್ದೆಗಳೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 10 kg ಚಾವಲ್ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಮಿಲೇಗಾ. 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜಬ್ ಹಮೆ ಪತಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಕಿ 2.5 lakh ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ ಖಾಲಿ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಕೆ ತಮಾಮ್ ನೌಜವಾನ್ ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್ ಹೈ ತೋ ಹಮೆ ದುಃಖ ಹೋತಾ ಹೈ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2.5 lakh ಹುದ್ದೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಬ್ ಪತಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಹರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾ ರೇಟ್ ಪಹಲೆ ಸೆ ಹಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೈ ತೋ ದಿಲ್ ಟೂಟ್ತಾ ಹೈ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯ ರೇಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ 30 se 50 lakh ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ 30. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मेयर चुनाव के लिए अपील जारी की. अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहरों की समस्याओं के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है. ज्यादातर निगमों में लंबे समय से बीजेपी काबिज है, शहर स्मार्ट बने नहीं, भ्रष्टाचार जमकर हुआ. इस दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा सुनाएंगे. ये चुनाव शहरों का है और बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लगातार उनके मेयर रहे, लगातार उनकी सरकार है, दिल्ली की सरकार उनकी है, आखिरकार ये शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं. जो शहरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे. आज सीवर को लेकर के, गंदगी को लेकर के, कूड़ों को लेकर के पूरे शहर भरे पड़े हैं. अगर गाजियाबाद को ही हम देखें तो पिछले कई वर्षों से यहाँ की जनता ने बीजेपी में भरोसा किया और उम्मीद की कि शहर रहने लायक बनाएंगे, लेकिन इतना बड़ा संस्थान, ये जगह है जहाँ आर्थिक रूप से भी बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी संस्था इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी गाजियाबाद वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है. जो विकास, जो अर्बनाइजेशन जिस रूप में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. आज भी नदियां खराब हैं क्योंकि आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तो आपकी नदियां कैसे साफ होंगी.
आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे, क्या किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या किया? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? आपने तो दावा ये किया था कि स्कूल में सस्ती पढ़ाई होगी, लेकिन आज देखिए स्कूलों में पढ़ाई कैसी है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर होनी थी वो बेहतर नहीं हुई हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का था, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी, वो ये सरकार नहीं दे पाई है, नाकाम है, नाराजगी है। और जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? इसलिए बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल है, जनता इन्हें हटाएगी, एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सड़कें बनी नहीं जो बनानी चाहिए थी, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। आप इनसे पूछिए, शिक्षा में आज आपने दावा किया था जब सरकार में आना चाहते थे कि हम सरकारी स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर देंगे। आप बताओ किस स्कूल की फीस कम कर दी बीजेपी वाले, बताएं। और जो गरीब है उसको इलाज कैसे मिलेगा, इलाज के लिए क्या सुविधा दी आपने? और जब आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, गाजियाबाद तो स्मार्ट सिटी होगा, अरे बीजेपी वाले स्मार्ट हो गए, सिटी स्मार्ट नहीं बना। तो आपने कानून व्यवस्था, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ये सवाल स्मार्ट सिटी पे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और एक ऑटो वाले को या मार मार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे आर्या न्यूज।